ये राइटिंग में ठीक है, कोई जांच अभी तक कोई जांच नहीं कराई गई। वही चार सीट का कॉपी लेते हैं, टू कॉपी लगा करके वही लगा देते हैं नेट पे कि जांच हो गई, लेकिन कोई जांच करने अभी तक नहीं आया। जिसका पुलिस वालों ने फंसाया उसका मेरे पास प्रमाण भी है, लेकिन उस प्रमाण को देखने तक का कोई भी अधिकारी अभी तक नहीं आया है। हम सब चाहते हैं कि न्याय के लिए सीबीआई मांग कर रहे हैं। अगर मेरा भाई दोषी हो तो फांसी हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको निर्दोष फंसाया गया जिसका प्रमाण भी हमारे पास है। उस प्रमाण को देखने तक कोई अधिकारी नहीं जा रहा। एसपी साहब के यहाँ दिए, डीएम साहब के यहाँ दिए, लखनऊ के थे डीजीपी साहब को दिए, लेकिन अभी तक कोई जाँच नहीं हुआ है। हम ये चाहते हैं कि जाँच कराए। डीएम साहब ने लिख कर दिया था कि इनके भाई का और लड़की का दोबारा मेडिकल कराया जाए। सही क्या जो यहाँ की पुलिस है वो बिक चुकी है, पूरी तरीके से बिक चुकी है। कोई भी पुलिस कर्मी जांच करने नहीं आ रहा, सब पैसे फेंक दे रहे। यशो साहब ने रिश्वतखोरी में ही यशो फंसे थे और उनको हटाया गया था जी। यशो साहब जब पैसे की बात आई तो वो लिखकर भेज रहे हैं कि आप लोग जो हम किसी परिवार के अन्य सदस्य को गिरफ्तारी नहीं किया गया था, जनता के सामने हमारे भाई को, हमको, हमारे पिताजी को, दोनों भाई को, तीन भाई को गिरफ्तार किए थे, लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं परिवार के किसी अन्य सदस्य को गिरफ्तारी नहीं किया गया है। वो पूरा साफ होते हैं जनता जनता के सामने। तो आप हम सब जांच के लिए आए, हमें सीबीआई मिली। अगर सीबीआई नहीं मिली तो हम पूरे परिवार साथ कह के जा रहे हैं। अगर घर तक पहुंचते समय हम सबको ये नहीं पता चला कि सीबीआई जांच नहीं लगी है तो हम पूरे परिवार दोबारा आएंगे और डीएम साहब के ही कार्यालय पर आत्मदाह कर लेंगे, पूरा पेट्रोल छिड़क के आत्मदाह करेंगे, क्योंकि हमारे भाई हमारे परिवार की देख रेख करते थे। हमारे परिवार में हम सब दर्दक भड़क रहे हैं, कहीं पर खाने के लाले पड़ रहे हैं। हम सबको कोई भी जाँच करने क्यों कोई अधिकारी नहीं आ रहा? क्या गरीबों की सुनवाई? ये कहते हैं कि गरीबों की सरकार है, लेकिन हम गरीब की सरकार होने के बावजूद भी गरीब सुनवाई नहीं हो रही है।